लोगों को फ्रूटफुल ट्री चाहिए है, जिन दरख्तों पे फल नहीं होता काट के जला दिए जाते हैं, हम भी इस नहज पे आ गए कि काट दिए जाए और जला दिए। इंडिया, यू आर आवर डॉक्टर, यू आर आवर साइकेट्रिस्ट, हम नफसियाती मरीज बन गए, हम बीमार हो गए। हिंदुस्तानी कौम, आपको भगवान का वास्ता है, क्षमा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, हमें समझाइए, हमें सुधारिए, हमें सीधा रास्ता दिखाइए, हमसे हाथ मिलाइए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आने वाले वक्त को ये पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए था। काश नरेंद्र मोदी साहब आप अपने झूठे चम्मच से ने पानी पिला दें, अपने खून के कुछ ड्रॉप्स ही दे दें, आप इन पे कोई फूक ही मार दें कि आप जितनी नहीं आपसे कम बुद्धि इनमें आ जाए तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर जाएगा। यहाँ पे तो एक कंसेप्ट भी है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये तो नारे हमारे यहाँ पे लगते हैं, जलसों में लगते हैं, हमारी कोई स्ट्रीट में नारे लगते हैं, स्कूल कॉलेजेस में लगते हैं। मोदी का जो यार है वो पूर्वकार है, मुश्किल से बहुत तरलों के बाद IMF से कुछ पैसे मिले हैं और हम 40 करोड़ रुपया एक फ्लैग बनाने पे, पाकिस्तानी परचम बनाने पे लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मुकाबला किया जा रहा है, नकल की जा रही है, या फिर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है? जी देखें, मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज करता हूँ चौधरी श्वेब साहब, अगर हिंदुस्तान ने एक बड़ा परचम अपना बनाया तिरंगा, उस इंडिया ने एक पैनी किसी से नहीं ली, ठीक है, हमने IMF से लिया, हमने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से लिया, हमने चाइना से लिया, बहुत से ममालिक में हमारी रिक्वेस्ट पड़ी है कि हमारे लोग भूख से मारे जा रहे हैं, ऐसे ही है। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, मजीद सैलाब आ रहे हैं, हमारे रिजर्वर गिर गए हैं। हिंदुस्तान का हक बनता है कि वो चांद तक झंडा ले जाए, जैसे वो अपनी अब शटल लेके गया है चांद तक, चंद्रयान 3 15 अगस्त, अगर इंडिया ने अपना फ्लैग बनाया, दुनिया में एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया, अगर आप इसके पीछे हिस्ट्री देखें जाए, इनके फाउंडर हैं विक्रम, ठीक है सर, विक्रम ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बेस उन्होंने बनाई थी। 15 अगस्त 1960 द लिबर्टी डे, द इंडिपेंडेंस डे, द फ्रीडम डे ऑफ द इंडिया, ठीक है, इस दिन उन्होंने ये फ्लैग बनाया, और इससे पहले इंडिया 83 टाइम्स वो ये ट्राई कर चुका है, उसके मिशन जा चुके हैं। जबकि हम पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे, फ्लैग को हम साइड पे रखते हैं, हमारा था स्पार्को, ठीक है, बदर ए हमने बनाया, बदर बी बनाया, वो दोनों को पता नहीं लगा आज तक गए कहाँ हैं। 2018 में PRSS-1 चाइना से हमने अपना एक शटल भेजा, जिसकी कोई प्रोग्रेस अभी तक मौजूद नहीं है। अभी हमने खुद नहीं ना भेजा, चाइना के साथ कोऑर्डिनेट करके। तमाम टेक्नोलॉजी, हर चीज़ उनकी थी। देखें, फ्लैग, इतना सा फ्लैग नरेंद्र मोदी साहब ने लगाया हुआ है, आज बुर्ज खलीफा पे उनका फ्लैग लहराया गया, ठीक है, उनकी अपनी फोटो भी लगाई गई और सिग्नेचर किए गए हैं कि हिंदुस्तान यहाँ पे ट्रेड अपनी करेंसी में करेगा। इट इज अनबिलीवेबल, बट इट इज रियलिटी, ये सच है कि हिंदुस्तान साइन करके आ रहा है। उनका फ्रांस का दौरा देखें, उन्होंने जो विजिट किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्हें क्या अवार्ड दिया, वो ऑस्ट्रेलिया गए, वो USA गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए, उसके बाद UAE गए, इजिप्ट गए, हर जगह उन्होंने जाके क्या बात कही, उन्होंने इकोनॉमिक की बात की, उन्होंने टाई की बात की कि वी आर बाइंग इन द टाई विद ब्रदरहुड, जो कि हमारे रिलेशन की बात की, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए। झंडा इतना बड़ा हो, झंडा इतना सा हो, यहाँ लगा हुआ है। देखें, आर्मी चीफ ईरान क्यों भाग के गए, इंडिया में 370 उनके जस्टिस हैं जी, ऑनरेबल ध्यानजिया यशवंत चंद्राचूड़ साहब, 5 जजेस बैठे हुए हैं। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लार्जर बेंच बना था, केस बता देता हूँ, किस्सा वाइन द भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, ये 1973 में बना था। इसका पर्पस था वेदर द पार्लियामेंट हैड अनफिटेड पावर, अनफिटेड राइट फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट की बात की थी, अब यहाँ पावर को छेड़ा जा रहा है। इसमें तीन चीज़ें, ये अपील मोस्ट डेंजरस है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेज हैं? 33, ठीक है, यहाँ पे 5 बैठे हैं। 1973 में 13 जजेस, इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा लार्जर बेंच था, फुल बेंच था, ठीक है, जिसमें 13 जजेस बैठे हैं।
सबसे पहले वो जम्मू को रख रहे हैं, वो कश्मीर को रख रहे हैं, वो लद्दाख में रख रहे हैं। जब लद्दाख पे बात आएगी वो सीधा इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे चाइना के अगेंस्ट। लद्दाख का कुछ एरिया पाकिस्तान चाइना को एज अ गुडविल दे चुका है, वो कहेंगे कि ये आपने कैसे दिया, बिल्कुल ये आपने क्यों दिया। तो आर्मी चीफ भागे 1995 में ईरान से, हमने विद द म्यूचुअल कॉन्सेंट विद द फ्री कॉन्सेंट वी वर एंटर इनटू एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द गैस पाइपलाइन। ठीक है, 1995 में। आज ईरान तैयारी कर रहा है, आपको थ्रेट कर रहा है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट में आपके अगेंस्ट जाऊंगा। बिल्कुल, एक अगर ये प्रोजेक्ट आपने पूरा ना किया, $18 बिलियन का जो उनसे फाइन करेगा। सर, कुलभूषण यादव का केस ऑलरेडी वहां पे पड़ा है, ईरान ऑलरेडी जाना चाह रहा है। वो कुलभूषण यादव ने जितना टाइम गुजारा ईरान में मुबारक पटेल के नाम से, ईरान ने कोई एविडेंस नहीं दी। अब ये जा रहे हैं कि लद्दाख का मैटर उठेगा, इतना प्रेशर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स में ना बनाए। देखें, उस शख्स ने इतना छोटा सा पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ है और वो कितना बड़ा काम करने जा रहा है। ये काम हमारे प्राइम मिनिस्टर को 40 करोड़ खर्च करने के बजाय इन्हें ईरान का दौरा करना चाहिए था, विजिट करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है सर। देखें, मेरा सवाल करने का, बात करने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ों में हमें मुकाबला बहुत याद आ जाता है जी। उन्होंने अगर इतना फ्लैग बनाया तो हम इसे बड़ा फ्लैग बनाएंगे, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी में भी तो बड़ी दुनिया तरक्की कर रही है, चंद्रयान 3 बन रहा है, कभी जापान अपना मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी चाइना जो उनसे अपना आर्टिफिशियल सन बना चुका है, हम उन चीजों में मुकाबला करने की तरफ क्यों नहीं आ रहे? सवाल ये है मेरा। सर देखें, हम हकीकत पसंद नहीं है जैसे हिंदुस्तान हकीकत पसंद है। अच्छा। मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने ऐसे किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने रूप से जाते हैं जैसे इन्होंने दुनिया फतह की हो। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इनसे पहले की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब के बारे में मीडिया लिखते लिखते रुका, इस न्यूज़ को किल किया गया कि आंसुओं के साथ रोएं कि मेरी कौम मर रही है। अब जब वो 40 करोड़ का फ्लैग देखेंगे, IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, तो वो लोग कहेंगे दे आर डिसीविंग अस, दे आर बिट्रेइंग अस, दे आर बेस्ड ऑन द फ्रॉड। ये तो हमें ऑलरेडी ये चीजें कह रहे हैं और इसी वजह से हमें IMF ने देखें, अगर इतनी लेट जो उनसे वो एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने बात माननी है, तो उसकी रीजन यही थी कि उन्हें ट्रस्ट नहीं था। अदरवाइज वो उन्होंने तो कर्ज देना था, उन्होंने ट्रस्ट लेना था उसके ऊपर, तो वो तो उसी टाइम पे कर लेते। आपने सिर्फ एक चीज पेश की है उन्हें, आपने कहा नो गारंटी, नो वारंटी, नो ट्रू, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो एग्रीमेंट, हर चीज़ को साइड पे रखिए, आपने हाथ जोड़े हैं। वी आर डिमांडिंग ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, हम इंसानी बुनियादों पे मांग रहे हैं। आप 40 करोड़ का झंडा बना रहे हैं, आर्मी चीफ ईरान बैठ के उनके आर्मी चीफ की मिन्नत से माजद करें कि प्लीज़ आप ये पाइपलाइन के उसमें ना जाएं। इंडिया का जो ये केस है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आने वाले वक्त को ये पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए था। काश नरेंद्र मोदी साहब आप अपने झूठे चम्मच से इन्हें पानी पिला दें, अपने खून के कुछ ड्रॉप्स ही दे दें, आप इन पे कोई फूंक ही मार दें कि आप जितनी नहीं, आपसे कम बुद्धि इनमें आ जाए तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर जाएगा। चौधरी शुएब, अगर आज से आप 20 साल पहले जाएँ, ये 2023 चल रहा है, कोलम्बिया शटल का नाम था, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनेट थी डॉक्टर कल्पना चावला, ठीक है, और फर्स्ट इसराइली एस्ट्रोनेट थे लैन रॉमन, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल लैन रॉमन, और भी बहुत से हमले के स्टाफ थे, तो ये क्रैश हो गई थी। तब से इंडियंस को ये जुनून था कि हमारी एक एस्ट्रोनेट मारी गई है, कोलंबिया नहीं ले जा सका, इंडिया से हमारा शटल जाएगा। आज देखें उनका मून क्राफ्ट अगर देखें, हाथ से बनाई हुई चीज़, दस्तकारी, ये जाहिर करती चाइना ने नहीं बनाया, अमेरिका ने नहीं बनाया, जापान ने नहीं बनाया, ये इंडिया ने खुद बनाया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, 2019 में भी ऐसा चंद्रयान 2 के नाम से एक मिशन लॉन्च किया जो कि उतनी कामयाबी नहीं ले सका जितनी उन्हें एक्सपेक्टेशन थी। आपकी बात काटूंगा, ये 2008 में फर्स्ट गया था, 2008 में फर्स्ट गया था। अच्छा, जो इंजन होता है जो उसकी हीट को कवर करता है, जो मटेरियल यूज होता है, आज हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है, वो आपके लिए सरप्राइज होगा, आपके व्यूवर्स के लिए सरप्राइज होगा कि यूरेनियम हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर मिसाइल जिसे परमाणु हथियार कहते हैं, उनके लिए तैयार नहीं कर रहे, बल्कि इसका मटेरियल उसमें तैयार किया गया है। यूरेनियम बना टैंक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इराक में यूज किया था, जिसे रॉकेट मारे जाते थे, कुछ नहीं हुआ, वहां से सद्दाम की फोर्स, जितनी फोर्सेस थी उनका हौसला पस्त हुआ, वो डिस्करेज हुए। आज हिंदुस्तान ने साबित किया कि हमने यूरेनियम से ऐसे पार्ट्स बनाए हैं
जिन पे किसी दर्जे हरारत का किसी किस्म की हीट का असर नहीं होगा, हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया, शायद चाइना को पिछाड़ जाए। ठीक हो गया। देखें ये बात पाकिस्तान में रह के जब की जाएगी तो इर्द गिर्द के लोगों को, तो मतलब मेरे जैसे लोग हों या इर्द गिर्द के लोग हों, वो कहेंगे यार ये कितनी बड़ी बात कर रहा है कि चाइना को पीछे छोड़ चुका है। आपने भी एक दो मिनट पहले ये बोला कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उन्हें कोई गुड़ टी दें, उन्हें अपना जूठा चम्मच खिलाएं, तो वो हिंदू हैं, इधर मुसलमान हैं, वो तो खाएंगे ही नहीं। ये जो हमारा कंसेप्ट है, जब दुनिया को दिखाने के लिए यूनाइटेड नेशन में ये गले मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से बदन का क्या मकसद होता है? कि हमारी आत्मा और शरीर मिल रहा है, ठीक है, तो खा लेने में क्या क्यामत आ जाएगी? क्या ये राक्षस डिक्लेयर हो जाएंगे? क्या ये रावण डिक्लेयर हो जाएंगे? सिर्फ मैं क्या बार बार कह रहा हूँ, हमारे लोग दिखावा कर रहे हैं। आप रही चाइना की बात करें, जितना ट्रेड आपने उनसे किया है, हिंदुस्तान या साइकिल पे जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। अफगानिस्तान का ताल्लुक आपसे क्यों ख़राब हो रहा है? वो कह रहा है हम हिंदुस्तान से ट्रेड चाहते हैं, और आप बीच में रुकावट बने हैं। आप खुद नहीं चाह रहे, रास्ता हमारा यही है, आप खुद भी नहीं चाह रहे। आप यहाँ से साइकिल पर ट्रेड कर सकते हैं और हिंदुस्तान की ट्रेड आपको जितना प्रॉफिट देगी वो आपकी सोच से बाहर है। काश ये इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठे से भेजा। जबरदस्त, मैं खुद इस चीज़ की ख्वाहिश करता हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि कोई आने वाला टाइम ऐसा हो जब मिलके कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए। और दूसरे नंबर पे अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो इंडिया हमारे थ्रू यहाँ से हमारा रूट यूज़ करते हुए सेंट्रल एशिया तक जा सकता है, उसे भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, हम भी तो जाहिर बात है। ऋषभ, आपने बहुत प्यारी बात की, इंडिया का GDP जो है वो ट्रिलियंस US डॉलर्स में चला गया। कहाँ? ट्रिलियंस अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रिलियन डॉलर। पाकिस्तान का मिलियन बिलियन, बल्कि मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर मैं बीमार हूँ, इंडिया यू आर आवर डॉक्टर, यू आर आवर साइकेट्रिस्ट, हम नफसियाती मरीज बन गए, हम बीमार हो गए। हिंदुस्तानी कौम, आपको भगवान का वास्ता, क्षमा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, हमें समझाइए, हमें सुधारिए, हमें सीधा रास्ता दिखाइए, हमसे हाथ मिलाइए। नहीं तो उन्होंने कब बोला है बड़ा भाई बन के हमारी हेल्प कीजिए? उन्होंने कब बोला है हम हेल्प नहीं करेंगे? उनके प्राइम मिनिस्टर जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बोला था वो मिलके गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, उन्होंने बोला था वो मिलके दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं, उन्होंने तो आगे हाथ बढ़ाया। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग बैठते हैं, ना जाने उन्हें रकम कहाँ से मिलती है, उन्हें ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मिलते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हम दुनिया के साथ मिल जाएंगे, हम हिंदुस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। और पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा है ही नहीं जो कहता है कि जी हम इंडिया से हाथ मिलाना चाहते हैं। जो कहता है जब इंडियन फौजी वीर गद्दी प्राप्त होते हैं तो हमें दुख होता है, ये कहते हैं जी हमें तो बड़ी खुशी होती है। ये सब झूठ है। वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, वो मक्कारी कर रहे हैं, वो अयारी कर रहे हैं, वो बीच घर की आग लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक कंसेप्ट भी है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये तो नारे हमारे यहाँ पे लगते हैं, जलसों में लगते हैं, हमारी कोई स्ट्रीट में नारे लगते हैं, स्कूल कॉलेजेस में लगते हैं। मोदी का जो यार है वो पुरवकार है। ये बड़ी बात आपने कर दी है। और ये बात मतलब ठीक है। नरेंद्र मोदी जी, आपका जिस तरह से स्वागत हुआ UAE में, उन्होंने कहा नहीं, ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस ओल्डर पर्सन, ही इज बेस्ट पॉलिटिशियन, ही इज ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आपकी हर चीज को देखा। आज पढ़ा लिखा मुल्क है, सब अपनी मईशत के लिए लड़ रहे हैं, किसी को किसी से सरोकार नहीं है, टोपी रखी हुई है या तिलक लगाया हुआ है। लोगों को फ्रूटफुल ट्री चाहिए हैं, जिन दरख्तों पे फल नहीं होता काट के जला दिए जाते हैं, ऐसे ही है। हम भी इस नहज पे आ गए कि काट दिए जाए और जला दिए। ठीक है, आपने UAE की बात की है कि वहाँ पे गए हैं और बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है, नो डाउट दुनिया ने देखा जितनी रिस्पेक्ट दी गई है, बुर्ज खलीफा पे फोटो, बुर्ज खलीफा पे तिरंगा लहराया गया, ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए। तो सर वो तो मुसलमान है, मैं 2-3-4 दफा ये सवाल कर चुका हूँ मुख्तलिफ लोगों से, आपसे भी सवाल करता हूँ कि वो तो हमारे से बेहतर पहले के पुराने मुसलमान है, हमने तो उन्हें देख के इस्लाम को फॉलो किया या इस्लाम में आए। वो लोग अगर इतने अच्छे रिलेशन बना सकते हैं अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, इंडिया की IIT वहाँ पे जा सकती है, पाकिस्तान को कौन से हमारे माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि भाई हम उनसे रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे, नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं या जो भी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम रिलीजियस बुक और रिलीजन्स को सैल्यूट किया, कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया इनटू अ सोवियन रिपब्लिक जस्टिस
इक्वेलिटी, लिबर्टी, फर्टिनिटी, उन्होंने ये बात की। कहा वी आर सेकुलर, वी आर सोशल, वी आर डेमोक्रेटिक, उन्होंने कहीं से नहीं कहा वी आर द रिलीजियस स्टेट। हिंदुस्तान की कामयाबी के पीछे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। मैंने थोड़ी देर पहले 370 की बात की है कि इंडिया जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा। ये केस जो ओपन हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट के लिए हुआ है, ये लद्दाख के लिए हुआ है, जहाँ पाकिस्तान को बुलाया जाएगा कि अगर आप कहते थे कश्मीर को खुद मुख्तारी दें, आपने इसका किस हैसियत में चाइना को दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस 17 ईयर की थी। मैं रिपीट नहीं करूंगा कि मैं आज क्या हूँ, किस दौर में क्या था। इंटरनेशनल कोर्ट में आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आर्मी चीफ से क्यों मिले? हमारा इंटेलिजेंस ऐसा कुछ नहीं है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं हैं, हम इकट्ठे जंग नहीं लड़ रहे। ठीक है, एक ट्रेड हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ताल्लुकात बीच में बहुत ख़राब भी रहे, क्योंकि ईरान बहुत रिजिड है, वो चाहते हैं कि जैसे हमें आप भी इस्लाम को उसी तरह नाफिज कर दें, जिसे ये कौम कबूल नहीं करती। वो सिर्फ इस वजह से गए कि खुदारा आप इंटरनेशनल कोर्ट में ये 95 वाला एग्रीमेंट ना ओपन करें। कलभूषण यादव वाला पहले पड़ा है, ये तीसरा आ गया, वाटर वाला एक और पड़ा हुआ वर्ल्ड बैंक में। तो हम तो ये कहते नजर आते हैं ना कि कुलभूषण यादव तो बलूचिस्तान से पकड़ा गया, हमें तो हमेशा ये बताया गया ईरान के बारे में तो कभी हमें बात ही नहीं बताई गई। सर जी, उस शख्स ने 7 साल मुबारक पटेल के नाम से ईरान में गुजारे, तेहरान में गुजारे, वो गोल्ड स्मिथ था, वो गोल्ड का कारोबार किया करता था। ईरान ने डिनाई किया, हमारे मुल्क में आया ही नहीं, तो बलूचिस्तान को और बताया, ईरान के अलावा क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाशिंगटन व्हाइट हाउस का कोई दरवाजा लगता है? नहीं, वो केस आप हारे हैं तो ईरान की वजह से आ रहे हैं। आर्मी को मजबूरन वहां जाना पड़ा है क्योंकि शुरू में आपने उन्हें एतमाद में नहीं लिया। इंटरनेशनल कोर्ट में जितने जजेस बैठे हैं, कुलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट में हम हार चुके हैं। आप इतने अच्छे तरीके से हारे हैं कि आप क्या समझते थे आप जिस वकील साहब को भिजवाएंगे खावर कुरैशी इंग्लिश बोलने से कि जी इंसर्जी इन बलूचिस्तान दे वांट फ्रीडम। उन्होंने एक एक चीज़ को खुद डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान 4 दफ़ा वहाँ आर्मी ऑपरेशन अपने ही लोगों पे कर चुका है, जो फौज ने नहीं किया, पॉलिटिशियन ने करवाया। ठीक है, आर्मी तो यस सर है ना, आर्मी यस सर है, लेकिन ये इनिशिएटिव इस दफ़ा आर्मी ने खुद लिया कि वो ईरान गए हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में आप ना जाइएगा। कुलभूषण यादव केस में एविडेंस ईरान की थी, ईरान ने कोई एविडेंस नहीं दी। वो इलाका जहाँ से चाही रास्को जहाँ से पकड़े गए, वो सारा ईरान का बॉर्डर है, ईरान की स्ट्रिप है। उन्होंने कहा ये शख्स तो हमारे मुल्क में था ही नहीं, आप तो अपना केस हार गए, आप तो अपना केस हार गए। ऐसे ही है, जबकि ईरान के तो रिलेशन बहुत तेज़ी से इंडिया के साथ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं शुरू दिन से। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कोई अहले तशी यहाँ पे आशूरा आ रहा है, 72 उन्होंने कॉम्पनीज आर्मी की मंगवाई हैं, 80 रेंजर्स की मंगवाई हैं। इंडिया में कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होता। इंडिया में मुझे जाने का इतफाक हुआ है, इंडिया में किसी अहले तशी डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट एडवोकेट जज की टारगेट किलिंग नहीं हुई। ईरान 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 शिया स्टेट है, जिस तरह द स्टेट ऑफ इसराइल दुनिया में जहां यहूदी है वो उनके फैलाव बहदूद के लिए सोचते हैं, इसी तरह ईरान दुनिया के जिस कोने में शिया आबाद है। अब सऊदी अरब ने उन्हें इजाजत दे दी कि मजारात आप काम करें, सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो गए। वो चाइना ने बेहतर करवा दिए ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात? नहीं, चाइना ने बेहतर नहीं करवाए, वो खित्ते का एक इंटरेस्ट था, खित्ते का एक इंटरेस्ट आया। जब ये सोचा गया इंटरफेथ रिलीजियस हारमोनी का, जो हमारे बड़े थे जिस चीज़ को बुरा समझते थे, जो कुछ करते थे, बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ हुए। आपको याद होगा हिजरे अस्वद पे एक लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान आर्मी गई थी, तब से सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब थे। अब वक्त आने के साथ न्यू सेंचुरी, न्यू वेज, न्यू स्काई, न्यू फ्लाइट्स, ऐसे ही है। लेकिन हम आज भी वहीं पे अड़े हैं, आज हम हमारा जो माइंड सेट है वही पुराना 1980s 1970s 1960 वाला माइंड सेट है। ईरान की अगर बात करें, वो तो इंडिया को ये कहता नज़र आ रहा है कि हमारे वहाँ पे आके आप स्टेडियम बनाएं, इवन हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें ट्रेन करें, उन्हें आईपीएल में खिलाएं। ठीक है, ईरान तो ये बात करता नजर आ रहा है। ये तो बहुत पीछे रह गया। आप चाबहार बंदरगाह देखें, पहले उनकी बंदर आबाद थी। ठीक है, चाबहार कैपेसिटी में कम है लेकिन वो गवादर से ज्यादा फंक्शनल हो चुकी है। ठीक है, जब पूरा अरब वर्ल्ड
खड़ा है कि हमने गवादर में ट्रेड नहीं करना, दुबई डूब जाएगा, कतर डूब जाएगा, बहरीन डूब जाएगा, ठीक है, जिस जिस गल्फ स्टेट में हार्बर है, जहां जहां बंदरगाह है, वो नहीं चाहते कि वो ईरान की तरफ गए, ईरान की तरफ गए, और वहां पे उन्होंने कामयाबी से वो बनाया भी, तो वो वर्किंग में है बिल्कुल। इवन ईरान ने देखें, अमेरिका की सैंक्शन थी ईरान पे, फिर भी इंडिया ने प्रेशर के बगैर उनसे ऑयल लिया। रशिया के ऊपर सैंक्शन थी, फिर भी उन्होंने प्रेशर के बावजूद उनसे ऑयल लिया। वो अपनी मर्जी से जो इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाता इंडिया नज़र आ रहा है, फॉरन पॉलिसीज अपनी बनाता नज़र आ रहा है, जिससे दिल करता है रिलेशन बेहतर करता है, जिससे दिल करता है ट्रेड करता है, जिससे दिल करता है ट्रेड नहीं करता। क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? आप बार बार जब किसी को धोखा देंगे, किसी की जेब काटेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे लेंगे, एड लेंगे, डोनेशन लेंगे, चैरिटी लेंगे, आप लोन लेंगे, आप प्रोजेक्ट्स लेंगे, क्या वो सजा के तौर पे आपको ये नहीं कहेंगे कि अब हमारी बात मानो, अब यहाँ नहीं, ये काम ऐसे करो? ठीक है, ये आप किसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? यू आर वेरी जीनियस। मैंने किसी ऐसे मुल्क की बात नहीं की जहाँ इंडिया ने अपनी शटल भेजी है, वो मुल्क वहाँ चांद पे आबाद हो। ठीक है, मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा लूटते हैं और पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, जब तक यहाँ होते हैं तो क्या जी, सबसे पहले पाकिस्तान, और मैं किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, आप मेजॉरिटी देख लें, मुझे बताएं कांग्रेस में किसकी प्रॉपर्टीज़।